गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लिफ्ट के अंदर यूज़ होने वाले सेंसर्स लाइक स्विच। कौन कौन से स्विच यूज होता है लिफ्ट के अंदर, और हाई स्पीड लिफ्ट और लो स्पीड लिफ्ट, जो 1 मीटर और 1 मीटर से मैक्सिमम मीटर्स पे जो चलती है लिफ्ट, उसमें कौन कौन से स्विच यूज़ होता है, वो स्विच के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस वीडियो से आप ये समझ जाओगे कि कौन कौन सा स्विच कौन कौन से लिफ्ट में यूज़ करना है, और ये स्विच का वर्किंग कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो स्विच की बात बता दूँ तो इसमें होता है एक रीड स्विच होता है, एक होता है बाईस्टेबल, एक विंग स्विच होता है, उसके बाद एक मोनोस्टेबल होता है। ये 3 टाइप के स्विच होते थे। अब स्विच की बात करें, रीड स्विच की बात करें, रीड स्विच का मतलब ये होता है कि रीड स्विच 2 टाइप का होता है, एक एनओ एक एनसी। रीड स्विच के आगे कोई भी मैग्नेट आएगा तो अगर एनसी है तो वो एनओ बन जाएगा, अगर एनओ है तो वो एनसी बन जाएगा। ये वीडियो में देख रही, ये रीड स्विच है तो ये दोनों टाइप का आता है। अगर आपको इनपुट सिग्नल एनओ चाहिए तो जब भी मैग्नेट आएगा तो इसी एक सिग्नल देगा तो एनओ कॉन होगा, अगर ये इसके आगे मैग्नेट आएगा तो ये एनओ बन जाएगा, तो ये एनसी है। उसके बाद एक इसका विंग स्विच या यू टाइप स्विच बोल सकते हैं। ये स्विच का यूज़ बात करें तो ये स्विच यूज़ होता है हाई स्पीड लिफ्ट के लिए। ये ऑप्टिकल स्विच होता है, इस यू के शेप के बीच में 2 लाइट होता है, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, इस दोनों के बीच कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये सेंस करके आउटपुट जनरेट करता है। इसकी बात करें तो ये हाई स्पीड लिफ्ट 1.5 मीटर से लेकर मैक्सिमम मीटर तक में यूज़ होता है। आइए इसकी बात करें तो ये मैक्सिमम जब भी लिफ्ट की स्पीड 1.5 मीटर से ऊपर जाती है तो 2 लगाया जाता है, एक डाउन फ्लोरिंग के लिए एक अप फ्लोरिंग के लिए। अप डाउन चलेगी तो कौन कौन से फ्लोर पर रुकने के लिए इनपुट, और अप चलेगी तो उसके लिए। और दोस्तों, इस स्विच की कॉस्ट की बात करें तो रीड स्विच की कॉस्ट के कंपेरिजन में 7 से 8 मल्टीपल ज़्यादा कॉस्टली ये होता है। इसके बाद ये देख रहे हो, ये बॉक्स टाइप रीड स्विच है। रीड स्विच 2 टाइप का आएगा, वर्किंग के अकॉर्डिंग करें तो 2 टाइप का होगा, एक होगा एनओ एक एनसी, और इंस्टॉलेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग होगा ए बॉक्स टाइप एंड उसके बाद आएगा आपको पेंसिल टाइप, जो पेंसिल टाइप आपने देखा था। बाईस्टेबल भी वो दोनों टाइप का आएगा, पेंसिल टाइप एंड बॉक्स टाइप। अभी बात करें लिमिट स्विच, लिमिट स्विच भी एक मैकेनिकल स्विच है, इससे भी हम इनपुट्स लेते हैं टर्मिनेशन फ्लोर का, जैसे लास्ट फ्लोर और स्टार्टिंग इंड फ्लोर। जब लिफ्ट लास्ट फ्लोर पहुंच जाती है तो ये लिमिट स्विच से इनपुट मिलके उसको पता चल जाता है कि लिफ्ट लास्ट फ्लोर पे रुक गए है। मैकेनिकल स्विच इसीलिए यूज़ करते हैं कि इन फ्यूचर कोई भी तरह का लिफ्ट अगर ओवरशूट करे कुछ गए तो अगर वो स्विच फेल कर गया तो ये स्विच मैकेनिकल स्विच फेलियर करने का कम चांस होता है कंपेयर देन ऑप्टिकल स्विच एंड सेंसिंग स्विच के। और दोस्तों, ये होता है बाईस्टेबल। बाईस्टेबल की बात करें तो बाईस्टेबल भी 2 टाइप का होता है, एक होता बॉक्स एक होता मोनोस्टेबल, एक बाईस्टेबल। बाईस्टेबल में बात करें तो बाईस्टेबल का मतलब ये होता है कि ये मैग्नेट पे नॉर्थ एंड साउथ पे काम करता है। नॉर्थ पे एनओ बन जाएगा और साउथ पे एनसी बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर डबल स्विच होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इसके अंदर का स्विच का कंडीशन चेंज होता है। अगर नॉर्थ नॉर्थ फील्ड मिल गया तो ऑन हो जाएगा, साउथ फील्ड मिल गया तो ऑफ हो जाएगा। ये इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो ये दोस्तों दो टाइप का आएगा, एक तो पेंसिल टाइप, ये दिख रहा है आपको पेंसिल टाइप है, और एक जो आएगा बॉक्स टाइप आएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग जैसे आप जहाँ पे जो एप्लीकेशन हो, अगर बॉक्स टाइप चाहिए तो कम स्पेस है तो आपको बॉक्स टाइप ही यूज़ करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा स्पेस है तो आपको पेंसिल टाइप यूज़ करना पड़ेगा। दो तो एक मोनोस्टेबल होता है, मोनोस्टेबल भी एज पर मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपना स्टेबल को चेंज करता है। उसके बाद जो एक प्रोक्सीमेट स्विच होता है, जो स्विच कोई भी ऑब्जेक्ट स्विच के आगे आता है तो वो अपना स्टेट चेंज। तो बेसिकली बात यह है कि इस लिफ्ट के अंदर टोटल स्विच की बात करते हैं, रीड स्विच, बाईस्टेबल स्विच, मोनोस्टेबल स्विच एंड विंग स्विच, इतना ही स्विच का यूज़ किया जाता है लो स्पीड हाई स्पीड के लिए। लो स्पीड में रेड टाइप स्विच यूज किया, और हाई स्पीड की बात करें हाई स्पीड में विंग स्विच या ऑप्टिकल स्विच यू शेप में था ना, वो स्विच का यूज़ किया जाएगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 हो गई। और लो स्पीड की बात करें, लो स्पीड में 2 भी हो सकता है, एक एक से भी चलती है, 2 से भी चलती है। मगर हाई स्पीड की बात करें तो हाई स्पीड में आपको 2 स्विच यूज़ करना पड़ेगा, एक नीचे डाउन की डायरेक्शन के लिए, एक अप के डायरेक्शन के लिए यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे इस तरह लिफ्ट स्विच में स्विच का यूज़ हम लिफ्ट में करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो लिफ्ट में स्विच यूज करने के अकॉर्डिंग, मैंने सारा डिटेल्स में आपको बता दिया। दोस्तों, बस यही, और भी इस स्विच के पॉइंट टू पॉइंट वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अलग अलग से मैंने सब स्विच पे बना रखा। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल विजिट करके वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी इस्यूज से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या कोई भी समस्या हो तो दोस्तों मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर लिफ्ट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, जरूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।